श्री गुरुदेव की जय। तो बेसिकली गुरु महाराज की ना नई समाधि बनेगी यहाँ पे, समाधि मंदिर, तो एकदम अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। तो गुरु महाराज की समाधि मंदिर बनेगी ना, देखो उसके लिए पत्थर वगैरह आ गया। जय श्री गुरुदेव की जय, भगवत पाद की जय। चलो अब चले दूसरी सेवा की तरफ। लेट्स रीड श्रीमद् भागवतम। सोचो ऐसी क्या चीज है जिसे आप शुरू करो और आपको सफलता मिल जाए। और भी हमने देखा है कि भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त होते हैं उनके जीवन में बड़ी विपत्ति होती है। तो अभी मैं पढ़ रहा था एक पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है भक्ति हृदय का मंथन। ये बुक लिखा है पारसार्थी दास गोस्वामी महाराज ने। तो मैं अभी ये पुस्तक पढ़ रहा था। बेसिकली मैं कल महाराज जी के पास गया था, तो महाराज जी के पास ये पुस्तक पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने महाराज जी से ये मांगा पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा भागवतम मैं आप लोग को थोड़े दिन में सुनाता रहूंगा, बट इसमें से मैं जो सीख रहा हूँ, जो मैंने अभी पढ़ा, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज हम सीखेंगे कि भगवान के जितने भी भक्त हैं उनके जीवन में संकट क्यों आते हैं, और ऐसी क्या चीज है जिसे हम शुरू करें और सफलता प्राप्त हो जाए। भौतिक जगत में हम कुछ भी करते हैं तो हमें बड़ा मेहनत करना पड़ता है, और हमें सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, बट एक ऐसी चीज है जिसे हम करेंगे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ये वाला भी उड़ता आकाश ऑफिशियल भी सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, हम साथ साथ में श्रीमद् भागवतम सीखते रहेंगे और बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे और वृंदावन के दर्शन करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे भक्त अक्सर पाते हैं कि उनका भक्ति पथ अनेक कंकड़ों और कांटों से भरा है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक समय कहा था, भगवान की कृपा पात्र भक्तों का मार्ग कटीला होता है। अगर आपके जीवन में दुख है और अगर आप भक्ति मार्ग पे हो तो आप समझो भगवान के प्रिय हो। भगवान के कृपा पात्र भक्त, भगवान के जो कृपा पात्र भक्त हैं उनके जीवन में मार्ग बहुत कठिन होता है और कटीला होता है। तब जब जीवन से हमारा सामना कठिनाई और विपदाओं से हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। हम कृपा पात्र तो हैं, पर अगर इतनी समस्या है तो हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इसका उत्तर दिया है, हम भगवान के कार्यों पर उंगली नहीं उठा सकते। भगवान स्वतंत्र हैं और वे चाहे तो हमारी रक्षा कर सकते हैं और चाहे तो हमें मार सकते हैं। वे हमारे सेवक नहीं है, हमारी हर मांग पूरी करेंगे, उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करेंगे, इसलिए वो परमेश्वर है। भगवान ने किसी के निवेदन पर इस भौतिक सृष्टि की रचना नहीं की है, उन्होंने अपनी इच्छा से इसकी रचना की है, और इसलिए यदि वो चाहे तो इच्छा मात्र से इसे नष्ट कर सकते हैं, इस भौतिक जगत को भी। यही उनकी भगवत्ता है। यदि कोई प्रश्न करे भगवान ने यह कार्य ऐसा क्यों किया है, इसका एक ही उत्तर मिलता है, भगवान स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं है। आप अनेक कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो, पर आप भगवान की सृष्टि पर हम कोई भी प्रश्न उठा नहीं सकते। अपनी परम शक्ति को सिद्ध करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं और कोई उन पर आपत्ति नहीं उठा सकता। यदि उन्हें अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देना पड़े तो वो भगवान किस बात के, समझ रहे। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो हम पाएंगे ये तात्पर्य संक्षिप्त किंतु कितना गूढ़ है। सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है पर बहुत ही गूढ़ है। यह हमें समझाता है कि जीवन के विपरीत परिस्थितियों के आने पर भक्तों को भगवान पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम भगवान को दोष देते, अबे यार भगवान क्या कर दिया मेरे साथ, हमें नहीं करना चाहिए। मैं भी कर देता हूँ, बट इसलिए हम भागवत पढ़ रहे हैं, इसलिए हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ताकि जो हम गलती करते हैं उसको हम करेक्ट कर पाए। यह सर्वदा अनुचित है, सब कुछ कृष्ण के इच्छा से होता है। भगवत गीता 4.12 पर एक प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी कुछ भी हो रहा है वो भगवान की अनुमति एवं योजना अनुसार हो रहा है। विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों पर यह सिद्धांत लागू होता है। इन सबका अनुभव करने के लिए हमारे मन में विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन की प्रत्येक घटना श्री कृष्ण द्वारा निर्देशित है। इसके साथ ही हमें अत्यंत सहनशील और नम्र भी होना चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भक्ति करने एवं विशेष रूप से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए हमें स्वयं को
मार्ग पे पड़े तृण से भी अधिक निम्न समझना चाहिए और वृक्ष से भी मतलब पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तृणागपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान ले कीर्तने सदा हरि। और उसके बाद अब बताते हैं कीर्तन। बेसिकली ये कीर्तन होता क्या है? मनुष्य जीवन में हमारा सर्व प्रमुख लक्ष्य शुद्ध रूप से भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। हम यथाशीघ्र नामा अपराध तथा नामाभास के स्तर पर उठकर शुद्ध नाम के स्तर पर आना चाहते हैं। और ध्यान से देखना, हमने कृष्ण भक्ति की अपनी लंबी यात्रा आरंभ की है और इसमें कोई संशय नहीं है कि एक दिन हम श्री कृष्ण के प्रति भाव एवं प्रेम के स्तर पर पहुंच जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये भक्ति का बीज प्राप्त तो हुआ है, इसमें हमारी सफलता सुनिश्चित है। भगवद गीता के 4.20 में एक श्लोक आता है, ये हम सबको याद भी होना चाहिए, नेहा विक्रमना अस्ति प्रत्यायो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर मैंने थोड़ा सा भी भगवान के लिए कुछ किया तो मैं एक भयंकर किससे बोलते ना, भयंकर चीजों से मैं बच सकता हूँ, भगवान मेरी रक्षा जरूर करेंगे। और श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर लिखते हैं, भक्ति इतनी शुद्ध और पूर्ण है कि एक बार आरंभ किए जाने पर वह स्वतः हमें सफलता की ओर खींच ले जाती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपने अगर मान लो 2-3 महीने आपने जप किया है और एक दिन आपने छोड़ दिया, आपका मन ही आपको बोलता है कर ले, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि भक्ति एक मार्ग ही ऐसा है जो हमें बार 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 ये रिमाइंड दिलाएगा, या जो हम कर रहे हैं वो नहीं है, हमारा कुछ गोल अलग है। तो इसलिए हमें चाहिए रोज शास्त्रों का अध्ययन करें। एक पेज भी अगर हम शास्त्र पढ़ रहे ना, हम पाएंगे अपने जीवन में ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, ये मैं पाया हूँ अपने जीवन में। जब मैं, मुझे याद है अच्छे से, जब मैं बहुत होपलेस था तो मेरा होप बना था श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद की अत्यंत कृपा है। अब अगर हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आज हमने दो चीज सीखा कि जैसे हम भक्ति स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे भगवान हमारे रक्षा करेंगे महान भय से, कोई बहुत बड़ा भय रहेगा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और दूसरा चीज हमने सबसे इम्पोर्टेंट की चीज क्या सीखा था कि जैसे हम भक्ति पथ पे आते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते हैं, कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ होता है जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं, तो इसे हमें क्या समझना चाहिए, ये भगवान की कृपा है। ठीक है, तो जितने लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना। अब हम चलते हैं वृंदावन के दर्शन करने। हरे कृष्णा। नमस्ते राजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गिरी गोवर्धन की जय। बोलो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। तो आजकल ना मेरी सेवा लगी हुई है महाराज के टिफिन वगैरह लाने के लिए, तो ना अभी वो लेके आओ। और 3 दिन से ना वृंदावन में बहुत धूप है भाई। चलो अच्छा, हाँ आपने सुबह तो मंगल आरती के दर्शन कर ही लिए, इतना धूप है अभी महाराज जी भी आए रहे। बोलो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। महाराज जी आए गए अभी? गए? अच्छा, बस मेरे को ना एक चीज आप लोग से पूछनी थी। मैं सोच रहा हूँ ना, जो सुबह 10 बजे हम ब्लॉग डालते हैं ना, उसका टाइमिंग मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है और शाम को अगर एडिट उडिट करने बैठो तो बहुत लेट होता है। तो मैं ऐसा सोचा हूँ कि थोड़ा टाइम चेंज कर दूँ। तो आप में से कोई जो जेन्युइन रोज ब्लॉग देख रहे हैं, आप कौन सा टाइम प्रेफर करोगे? या मैं रात को अपलोड करूँ, रात को 8 बजे? क्योंकि क्या होगा, फिर मेरे को पूरा दिन मिल जाएगा ना एडिट करके, थंबनेल वंबनेल जो भी है सारी चीजें करके, तो मैं वो कर पाऊंगा। अदरवाइज सुबह जल्दी उठना, क्योंकि हम नॉर्मल यूट्यूबर तो है नहीं कि हमारा पूरा सुबह से लेकर शाम तक YouTube ही करना है। हमें भजन भी करना है, हमें साधना भी अपने फोकस करना है ना। पर क्या होता है, जब लेट सोते हैं तो लेट उठना पड़ता है और फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार लेट सोने के लिए थोड़ी ना ब्रज में है ना, तो मैंने सोचा कि यूजली तो उठ ही जाता हूँ मैं जल्दी, बट फिर भी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि थोड़ा और जल्दी उठ के थोड़ा सा भजन वजन पे और फोकस करें, क्योंकि कार्तिक महीना भी आ रहा है तो तपस्या वाला महीना शुरू है ही, ऑलरेडी चतुर्मास चल ही रहा है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइनली हैं देख रहे हैं, आप मुझे बता दो कि कब ब्लॉग अपलोड करूँ और कब आप लोग देखोगे। मतलब जेन्युइनली मैं और भी चीजें बना रहा हूँ, क्योंकि वृताकाश ऑफिशियल चैनल को भी, उस पर भी कंटेंट डालना है ना, तो उसके भी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग। तो मैं ऐसा सोचा हूँ, एंड लेट्स सी, अभी मैं जा रहा हूँ बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लीज मैं सारे लोग से चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट कर दो कि टाइमिंग क्या रखा जाए। ब्रज की एक मजे की बात यह है कि यहाँ पे ना जब भी सनसेट हो या सूरज ऐसा कुछ भी हो, वो इतना सुंदर लगता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मतलब ये आई थिंक उतना कैमरे में उतना क्लियर और उतना बढ़िया ना लग रहा हो इसलिए, बट पूछो मत, ये तो एकदम धमाल मजेदार लग रहा है। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बच्चे लोगों को पढ़ाने। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे तिलक लगाने ऑलरेडी चले रहेंगे, क्योंकि सोचो ना, एक घंटे से उनको क्या ही फर्क पड़ेगा, 23 घंटे आर तो वो बेचारे वही कर रहे हैं जो उनका रोज का पैसा है। बट ठीक है, चलो देखते हैं हमारे मित्र कहाँ हैं। ज़्यादा कुछ करने से नहीं होगा, बट थोड़ा थोड़ा करने से बहुत कुछ तो हो ही जाएगा। ये देखो, ये हमारा छोटा सा दोस्त है, ये बोल नहीं पाता बट है। चल किताब लेके आ, चल किताब। कोई बात नहीं, चारों बच्चे आओ,
आओ बिछाओ, इसको बिछा चल, एक घंटा पढ़ते फिर निकलते हैं। पकड़ इसको, पकड़। हाँ ये इधर से, रुक जा, ये इधर खींच खींच, वेरी गुड। और उधर आगे आगे, शाबाश। टेबल ले, कुर्सी कुर्सी ले गया, कुर्सी कुर्सी कुर्सी। ये ना उतना बोल नहीं पाता, ये सिर्फ हूँ करता रहता है, बट अच्छा है। अभी से इसका दिमाग बहुत तेज है, मतलब इसको कुछ भी दे दूँ ना ऐसा बनाने बनाने को, वो एज इट इज कॉपी करता है। बट वही है ना, अगर अच्छी शिक्षा मिल जाए, थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छा। जल्दी आओ बच्चों, तुम लोग को बुरा नहीं लगता ऐसा पूरा पेड़ वेड़ काट दिया? हम लोगों ने नहीं काटा भैया। हाँ मतलब पहले ये बगल वाला प्लॉट में तो बहुत जंगल उंगल था ना। हाँ, तो बुरा नहीं लगता? वाला अच्छा था, ये इधर भी लगा था। हाँ भैया, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा था जब यहाँ का पेड़ काटा था, उसमें झूलते रहो, देखो सब्जी भी आती, फूल जाती, फूल आए, सब्जी आ जाती तो हम थोड़ी सी सब्जी तोड़ के बना लेते थे, उस पर पेड़ पर खेलते थे। तब तो खेलने के लिए पेड़ भी नहीं बचा? अब तो कुछ भी नहीं बचा, बहुत बेकार लगा था जब इसको पेड़ काटा था ना उन आदमियों ने। अच्छा, जब बहुत बेकार लगा था। या यहाँ पे मतलब हमारे गांव के एक मतलब ऐसी है, दादा दादा बोलते हैं, उनने ये पेड़ रखा लिया इतना बड़ा। अच्छा, वो भी पेड़ कट गया? दूसरी बार कट गया, नहीं पहली बार कट गया, दूसरी बार आ रहा है, बोले नहीं तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, जब बढ़ नहीं रहा था वो। वृंदावन में तो पेड़ बचे ही नहीं ना, सारे काट दिए, तो बहुत ही कम है। बुरा लगता है ना बहुत। तो तुम लोग को क्या मन करता है कि क्या ऐसा होना चाहिए वृंदावन में अच्छा हो जाएगा? नहीं पहले जैसा होता तो अच्छा लगता। जब तुम छोटे थे, जैसे तुम तो अभी 10 साल के हो ना? 10 साल की नहीं, 12 साल। 12 साल के, तो तुमको कब से याद है, क्योंकि तुम तो पैदा ही यहीं हुए। हाँ भैया, हाँ छोटे में बताऊं, यहाँ पर ये जो चट्टान था, जो घर नहीं था, इसमें पे इनकी जो गिर रही थी, इनका पापा का। अच्छा, फिर भैया हमारे पापा है ना, इतने इतने से गली ना भैया, देख पीपल लगा वहाँ पर, चार पहले चार समोसा सब बढ़ते थे यहाँ पे, बिस्कुट हम गाड़ी ले लेके जाते थे पहले, अब सब सब तो खरीद लिए होंगे ना? हाँ, तो खरीद लिए पानी, भैया पानी भरने लिए ना, उधर जाना पड़ता है। अभी तुम लोग की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए पढ़ना, समझ रहे हो? अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, परिक्रमा मार्ग की जय, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। तो अभी जस्ट मैं निकला हूँ, सोचा आप लोग को क्या बोलते हैं, राधा दामोदर, लेट्स गो राधा दामोदर। ठीक है, ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट एकदम से हुआ, जो मुंह में नाम आ गया भगवान का उसी मंदिर जाएंगे। बोलो राधा दामोदर जी लाल की जय, बोलो मदन मोहन भगवान की जय, जय जय श्री राधे। वाह कितना सुंदर लग रहा है आसमान, तो आजकल कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? हाँ थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। अच्छा पूरा कंस्ट्रक्शन एकदम कमाल लेवल पे चल रहा है, ताकि गिर उड़ ना जाए ना, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। वाह क्या चिड़िया भी उड़ उड़ के जा रही है, वहाँ दिख रहा है आपको? दिख ही रहा होगा। जय हो इमली तला की जय, पूरे वृंदावन में एक वन ऑफ द वन प्लेस ऐसा है, ये श्रीमती राधा रानी का बहुत फेवरेट है, कृष्णा का भी बहुत फेवरेट है। अबे गैया मैया प्लीज गिव अस साइड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यहीं से राइट ले लेता हूँ। बोलो श्री श्री राधा दामोदर जी लाल की जय, आओ हमारे साथ। बोलो राधा दामोदर जी लाल की जय, वीडियो कट नहीं करूँगा, आप ऐसा समझो कि आप खुद ही ब्रज में हो, और मैं बोलूँगा भी नहीं कुछ। Oh, 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 oh
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो जय हो जय हो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे चलते रहो आप मेरे साथ में और आप सभी परिक्रमा लगा रहे हैं। जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन राधा रानी के चरण प्यारे 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 महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वारी की जय 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 श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद भजन कुटीर की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। तो आई होप आपको आज का वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। एक माता जी आई थी सिंगापुर से, तो उन्होंने ये दिया है। थैंक यू सो मच माता जी, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। थैंक यू माता जी, भगवान आपको बहुत कृपा करे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ सारे लोग मुझे ये बता दें कि ब्लॉग का टाइम थोड़ा मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो आप लोग मुझे बता दो। शाम का टाइम ऐसा करते हैं तो मेरे पास भी वक्त मिलेगा एडिट वेडिट करने का, एंड एक बार प्लीज अपडेट कर दो। और एक इम्पोर्टेंट बात ये बोलनी थी कि जो हमारा म्यूजिक वीडियो था जिसको आपने देखा था, हम मैं और निद्रा विजय को थोड़ा सा ऐसा गेटअप चेंज किए थे, वो कब अपलोड करूं? या तो जो इंस्टाग्राम पे है इंस्टाग्राम पे उनको पता चल जाएगा, या तो मैं अपडेट कर दूंगा। यार आप लोग को टेंशन क्यों ले रहे हो।